कटहल आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पाव कटहल, एक बड़ा आलू जिसे मैंने काट कर पानी में डालकर रखा है ताकि वे काले ना हो जाएं, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, एक बड़ा प्याज लिया है मैंने, 3 लहसुन की कलियाँ ली है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे खसखस लिया है जिसे हम पीस कर एक पेस्ट बना लेंगे, यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं सूखे, 1 टीस्पून जीरा है, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटे तेज के पत्ते, 2 लौंग। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपने कटहल आलू डाल देंगे। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे अपना, ताकि जो कटहल आलू है पक जाए। देखिए कटहल और आलू अच्छी तरह से भून चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। अभी हमने जो ये खड़े मसाले लिए थे इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। और ये जो हमने प्याज खसखस और लहसुन का पेस्ट बनाया है उसमें हम अपना हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब हम अभी हमें प्याज को अच्छे से भूनना है, मसाले हमने भून के रखे थे उन्हें मैं इसमें कूट लूँगी अच्छी तरह से। इलायची छीलकर जो हमने रोस्ट किया था उसके छिलकों को हम इसमें डाल देंगे, इनसे क्या है कि अच्छी खुशबू आ जाती है सब्ज़ी में। देखिए हमारा प्याज जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसमें अपने मसाला डाल देंगे। ये भी हम डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार। ध्यान रखेंगे हमने जब कटहल और आलू को भुना था तब भी नमक डाले थे, इसलिए आप हिसाब से नमक डालें। मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, अब इसमें अपना ये कटहल और आलू डाल देंगे। अब इन्हें भी हमें 2 से 3 मिनट तक मसालों के साथ में भून लेना है, ताकि जो मसाले हैं वो कटहल में अच्छी तरह से अंदर तक चले जाएँ। देखिए हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह से भून चुकी है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी हम सब्ज़ी में पानी डालते हैं तो गर्म करके डालेंगे, उससे सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो अच्छा बनता है। ये जो हमने मसाले कूट कर रखे थे इन्हें भी अभी डाल देंगे। अब हम सब्ज़ी को धीमे आँच में धीरे धीरे पकने देंगे, ताकि ये जो सारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से कटहल में मिल जाए, बीच बीच में सब्जी चलाते जाएं। देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है, वो किनारों से ऑयल छोड़ दिया है, मतलब सब्जी अब बन चुकी है। हमारी कटहल आलू की स्वादिष्ट सब्जी तैयार है, आप सब भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।